नमस्कार, सिल टीवी देख रहे हैं आप। हम लगातार अपने चैनल पर पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हर प्रत्याशी की वादों को, हर प्रत्याशी की बातों को आप तक पहुंचाते हैं। अभी हमारे साथ कुश पांडे मौजूद हैं, ये युवा प्रत्याशी हैं, युवा नेता हैं, एबीवीपी में भी काफ़ी एक्टिव रहते थे और लगातार समाज सेवा करते रहते हैं। कुश, आप चूँकि युवा हैं और इतनी जल्दी इस उम्र में बहुत कम देखा जाता है कि इस उम्र के युवा मुखिया चुनाव में छात्र राजनीति से फुर्सत नहीं मिलती या फिर छात्र राजनीति में ही अपना करियर डेवलप करते हैं। आप मुखिया चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, जनता इतने कम उम्र के उम्मीदवार पर कैसे भरोसा करेगी? मैं विगत 1.5 साल से तकरीबन अपने पंचायत क्षेत्र में घूम रहा हूँ। वैसे मैं छात्र राजनीति में लंबे समय से लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 1.5 साल से जब मैं पंचायत में घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ पंचायत के लोगों की समस्याओं को समझ रहा हूँ, उनको समझने के बाद उनको दूर करने की प्रयास कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक उन लोगों का प्रयास करने में मैं सक्षम हो पाया हूँ। यही कारण है कि आज पूरे पंचायत के आप किसी भी गांव जाएंगे, चाहे वह छोटा बच्चा हो, बड़े हो या बूढ़े हो, सबके मुंह पर एक आवाज़ कुश पांडे का नाम आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि सबके सुख और दुख के साथ मुझे खड़ा रहने के कारण आज उन लोगों का साथ और प्यार मिल रहा है। नहीं, मतलब अगर इतने कम उम्र में, इस युवा उम्र में आप पंचायत चुनाव जीतते हैं, मुखिया बनते हैं, तो क्या विज़न रहेगा आपका आगे, विधायक, MP, MLA, इन सब चीज़ों में भी आप हाथ आजमाना चाहेंगे या फिर ग्रामीण स्तर पर ही विकास कर आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बताया कि जब मैं छात्र राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा हूँ तो बस मैं एक सीढ़ी मांगने के लिए अपने समाज से कि यह जो बच्चा जो समाज में इतने दिन से हम लोग सामाजिक कार्य में एक्टिव हैं, लोगों की सुख दुख में मदद कर रहे हैं, तो इस चुनाव के माध्यम से पहले मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र, अपने पंचायत क्षेत्र के जो जो समस्याएँ हैं, सर्वप्रथम जीतने के बाद उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। चाहे वह सड़क का समस्या हो, चाहे नाला का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीबों का लाइसेंस का हो, लेबर लाइसेंस या निम्न एक एक घर की जो जो समस्याएँ हों या सामाजिक जो समस्याएँ हों, उन सभी समस्याओं को चुनने के बाद उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और जीतने के बाद जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, खासकर मैं युवा हूँ और युवा होने के नाते और साथ में मुझे लगता है कि जितने भी कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, मेरा क्वालिफिकेशन BCA, MCA और लॉ मैंने किया कर रखा है, तो मुझे शिक्षा का भी अनुभव है, तो इस कारण लोगों का जो रुझान मिल रहा है, तो खासकर जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं वो कैसे भटक रहे हैं रास्ते से, मैं उनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार कैसे विकसित हो, खासकर हमारे पंचायत के जितने भी युवा हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था मैं करवाने का प्रयास करूँगा चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि भागलपुर यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है और लोग पैसे से बहुत मजबूत नहीं है, तो हमारे जो युवा हैं वो पढ़ने बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो सके। और जो महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, वो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए स्वरोजगार कैसे हो, चाहे वो पापड़ के माध्यम से हो, चाहे तिलौरी बनाना हो, चाहे मोमबत्ती बनाना हो, वो लोग घर में रोजगार कर सकें और बच्चे शिक्षित हो सके। जब बच्चे शिक्षित होंगे और महिलाएं रोजगार कर सकेंगी तो हर घर का दिशा और दशा अपने आप बदलने लगेगा। तो मेरा प्रयास होगा कि जितने भी गरीब हैं, जितने भी मतलब समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास ना पहुँचे तब तक मैं अनवरत लगा रहूँगा। चलिए, शिक्षा, गृह उद्योग, इन सभी क्षेत्र में आप काम करेंगे, क्योंकि आप छात्र राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे, आपने छात्रों की आवाज़ों को बुलंद किया, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में आपकी अच्छी पकड़ है, क्या लगता है आपको पंचायत चुनाव में छात्र राजनीति का आपका एक्सपीरियंस काम आ रहा है? बिल्कुल बेझिझक मैं आज यहाँ बात कर पा रहा हूँ या अपनी शब्दों को रख पा रहा हूँ, आज लोगों के बीच जा रहा हूँ तो मैं एक पूरा अपना पंपलेट, एक खाका तैयार करके जा रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाति, टोला, समाज, इससे आगे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं जो छात्र राजनीति में आज 10 साल, क्योंकि राजनीति की प्रथम पाठशाला विद्यार्थी परिषद को कहा जाता है और मैं वहाँ का नर्सरी KG धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए आया हूँ, तो मुझे राजनीति में, छात्र राजनीति में रहने के कारण बहुत अनुभव मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर मिला और उसी सीखने के अवसर और उसी अनुभव के साथ आज मैं पंचायत चुनाव में घूम रहा हूँ, तो आज मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अपनी बातों को रख पा रहा हूँ, अपनी विजन को रख पा रहा हूँ और यही कारण है कि और सब कैंडिडेट की अपेक्षा लोगों का मेरे प्रति रुझान है, क्योंकि मैं अपनी बातों को लोगों के पास रख पा रहा हूँ कि मेरी क्या सोच है, मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ, आखिर मेरी क्या विजन है चुनाव लड़ने के साथ, मैं चुनाव लड़ने के बाद क्या करूँगा, तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो हर लोगों तक पहुँच रही है, इसी कारण एक से दो से तीन और आज आप जाएंगे कई टोले, कई समाज के लोग, पूरा समाज आज मेरे साथ खड़ा है और आने वाले 2 तारीख को जो चुनाव की काउंटिंग होगी उस दिन EVM में 3 नंबर का जो कलम दबात बटन छाप है उस पर इतना बटन दबेगा कि लोग को याद रखेगा कि लोग हैंग कर जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रुझान, सभी लोगों का प्रेम, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। चलिए, छात्र राजनीति में आप एक संगठन के लिए काम करते हैं, उस संगठन में युवा जितने भी हो, छात्र जितने भी हो, वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, पर ग्रामीण राजनीति कुछ अलग होती है, पंचायत चुनाव कुछ अलग होता है, यहाँ जातीय समीकरण, सामुदायिक समीकरण भी चलता है, बहुत हद तक दारू मुर्गा पर भी वोट बटती है, क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र की जनता विकासशील कैंडिडेट को देखकर वोट करती है या करेगी या फिर जातीय समीकरण में खेल बिगड़ जाएगा? मैं बेझिझक कहना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव होगा यह बिल्कुल जातीय समीकरण से दूर,
क्योंकि आज जो समाज है, आज हर एक जाति के, विभिन्न जाति के लोगों को मैं एक करने निकला हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोग एक हो, और इसको लेकर मुझे लगता है कि मैं अभी तक 70-80% सक्सेस हो चुका हूं, और आने वाले जिस दिन काउंटिंग है उस दिन पता चलेगा मैं कितना सफल हो पाया। मैं हर एक जाति के लोग के पास मिलकर विकास का मुद्दा, क्योंकि देखिए जाति होना चाहिए, जाति निश्चित मानता है, लेकिन जाति कब? जब मेरी बहन की शादी हो तब मैं देखूंगा कि मेरे जो बनोई हैं वो मेरे जाति के हैं या नहीं। उसके बाद जब विद्यार्थी रहते तो हमारा कोई जाति नहीं, आपका बात, आपका बोली, आपका व्यवहार, आपका संस्कार, ये आपकी जाति होती है। और इस कारण आज हर एक जाति के लोगों का प्यार मिल रहा है, और मैं सभी जाति के लोगों को एक कर एक मंच पर बैठाने का प्रयास कर रहा हूं, और सभी जाति के लोगों का प्यार मिलेगा। और निश्चित आपने जैसा कहा सत्यम जी कि छात्र राजनीति और पंचायत राजनीति दोनों बिल्कुल अलग है, लेकिन छात्र राजनीति में लंबे समय से काम करने के कारण जो अनुभव मिल रहा है, उस अनुभव के माध्यम से लोगों के बीच जा रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ, और उनके सुख दुख में पूरे कोरोना काल में लगभग पूरे पंचायत में मैंने सैनिटाइजेशन का कार्य किया, जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोगों को राशन की जरूरत पड़ी मैंने मुहैया कराया। आज आप लोग जान रहे हैं कि इस कोरोना के दूसरे लहर में जब ऑक्सीजन की मारा मारी थी, पूरे भागलपुर में 100 से ज़्यादा लोगों को जब भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी हमारा नंबर था, लोग पूछते थे और हम लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया कराते थे। आज भी कभी जरूरत पड़ती है किसी को तो ब्लड की, तो हम लोग के पास रक्तदान का पूरा टीम है, हमारे पास विद्यार्थियों का और लड़कों का टीम है, हम लोग किसी को ब्लड डोनेट करते हैं। तो यही कारण है कि हॉस्पिटल भी जाते हैं, लोगों के साथ मदद करते हैं, थाना में भी कोई समस्या होती है लोगों के साथ मदद करते हैं। ये सब जो मदद और प्यार का भाव है, इसका प्यार मिल रहा है, और आने वाले 29 तारीख को वोटिंग में यह प्यार बटन के रूप में दिखेगा। देखिए आप चूंकि हमेशा से कमजोरों की आवाज़ों को बुलंद करते रहे, छात्रों के हित में बात करते रहे, समाज में आप हमेशा से जुड़े रहे, बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती है समाज में विकास के लिए, ग्रामीण स्तर पर विकास मुख्य तौर पर मुखिया, वार्ड पार्षद और जिला परिषद के हाथ में होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी योजना है सरकार की जो काफ़ी हद तक सक्सेस रही, जो काफ़ी हद तक सफल रही, और यदि आपको कल उम्मीद मुखिया बनाया जाए, आप पर कर यकीन कर वोट डाला जाए, जनता यदि आपको जिताती है, विजयी बनाती है, तो कौन सी ऐसी योजना है सरकार की जिस पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिस पर आपका सबसे ज़्यादा मन रहेगा कि इस काम को होना, इस कार्य को करना चाहिए, इस योजना को सबसे ज़्यादा सफल बनाना चाहिए, ऐसी कोई एक योजना? देखिए आज मुखिया बनने के बाद जितने भी मुखिया कैंडिडेट थे वह मुखिया तो बने, लेकिन मुखिया बनने के बाद मुखिया कम और दलाल ज़्यादा बनकर रह गए। आज गरीबों के बीच जा जाकर चाहे वह इंदिरा आवास हो, उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आज गरीब लोग हैं ना, उनके लिए रोजगार करके खाने का तो उपाय किसी तरह कर लेते, लेकिन अपना घर नहीं बना पाते हैं। सरकार के माध्यम से उनको इंदिरा आवास के माध्यम से लाभ मिलता है, लेकिन क्या समस्याएं आई है, जो मैं आज अलग अलग घर जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि इंदिरा आवास के नाम पर कुछ एक दलाल, जो कि नहीं चाह रहे हैं कि अच्छे लोग जीत कर आए, उनका दलाली बंद ना हो, ऐसे दलालों को बंद करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कि वो चाह रहे हैं कि दलाली उनका चलता रहे, ताकि इंदिरा आवास के नाम पर किसी घर से 25,000, किसी घर से 30,000 रुपया। मैं जीतने के बाद सबसे पहले ऐसे दलालों को रोकने का कार्य करूंगा, और एक एक गरीब जिस पर सिग्नेचर के नाम पर 200 रुपया ले जाता है वैसे चीज़ बंद होंगे, वैसे लोग जिनका इंदिरा आवास के नाम पर 25,000-30,000 रुपया ले जाता है वैसे चीज़ बंद होंगे, जिनका वृद्धा पेंशन के नाम पर 300-200 रुपया मुखिया या दलालों के द्वारा लिया जा रहा है वैसे चीज़ बंद होंगे। मतलब पहले दलाली को रोका जाएगा, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो कि कागजों में है, उसको धरातल पर उतारने का मैं कार्य करूंगा जीतने के बाद। ये तो हर पंचायत की समस्या है, जहां कहीं भी जिस भी पंचायत में मैं गया जायजा लेने, उस पंचायत में ये बात तो सबसे पहले सामने आई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो लूट खसोट मचा है उस प्रकार से किसी और योजना के नाम पर नहीं हुआ है। हर घर से 25,000 वैसे गरीब जिनको रहने का छत नहीं है उससे 25,000 रुपये मांगा जा रहा है, इस योजना में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप क्या मानते हैं, कहीं विकास में सबसे बड़ा रोला ये बिचौलिया और ये दलाल तो नहीं है? बिल्कुल पूरा का पूरा बिचौलियों के कारण ही यह विकास नहीं हो पाया। मुखिया मतलब होता है कि एक पंचायत में आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मुखिया आजकल क्या करने लगा, खुद दलाल बन गया है, तो इस कारण विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि और लोगों से आप सुन रहे होंगे कि समाज में जो पुराने मुखिया आए हैं तो लोग झाड़ू लेकर इंतजार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका कार्य प्रणाली नहीं रहा। मेरा तो बस इतना ही मानना है कि जिंदगी में बड़े शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में बड़े शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दे गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। मतलब जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजर जाओ कि लोग करने के बाद कहें नहीं, समाज में वास्तविक रूप पर धरातल पर ये अपना कार्य किया है। देखिए छात्र राजनीति में होता है ऐसा है ना कि आपको भला करना होता है छात्रों का, अपने विश्वविद्यालय का, और जो भी लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आपके संगठन से जुड़े हुए हैं उन लोगों का। आपके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होती, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, पॉलिटिकल पावर होता है, पॉलिटिकल पहुंच होती है छात्र राजनीति में, पर मुखिया बनने के बाद आपके पास फंडिंग भी होगी, आपके पास पैसे भी होंगे, और जब तक आप छात्र राजनीति में तब तक आपके हाथ में पावर था, पैसे नहीं थे, अब आपके हाथ में पावर और पैसे दोनों होंगे। क्या लगता है आपको, कहीं पैसे अचानक से आ जाने से आपका ये व्यू जो है ये कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो जाएगा, आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सत्यम जी,
मैं आज 9 साल से समाज में जुड़ा हुआ हूँ। समाज में सुख दुख, स्टूडेंट रहे, गरीब रहे, बड़े रहे, अमीर रहे, अगड़े रहे, पिछड़े रहे, सबके साथ एक पारिवारिक संबंध बना के आज चलता आया हूँ। तो जो 7 वर्षों से 8 वर्षों से जो संघर्ष कर रहा है और जिसकी सोच सिर्फ मुखिया बनने की नहीं हो, जो कुछ और सोच कर धरती में जन्म लिया है, वह अगर इन छोटे चीज़ों में 2 करोड़ 5 करोड़ में अगर अपना मैं अपना जीवन व्यर्थ कर दूंगा, तो जो मेरा सोच है, जो मेरा लक्ष्य है, जिसके लिए मैं चुनाव लड़कर समाज में आज मेहनत करना चाहता हूं कि आज अपने पंचायत का बच्चा, अपने घर का बच्चा जो भागलपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश में नाम रोशन करे, देश के स्तर पर बैजानी पंचायत को पहुंचाए, और अगर मैं चुनाव जीतने के बाद इन छोटे पैसों में उलझ जाऊंगा तो मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं इतना जानता हूं किसी चीज़ को पाने के लिए उसके प्रति पागल बनना पड़ता है। आज मैं दिन के 8 घंटे अपने क्षेत्र में 12 घंटे घूमता हूं, तो मैं जीतने के बाद 14 घंटे और 15 घंटे काम करूंगा, ताकि ये जो पैसे की बीच में बात आई कि लोग जीतने के बाद स्वाभाविक है, बहुत लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग चुनाव जीत रहे हैं, क्यों तो जीत रहे हैं, किसी को स्कॉर्पियो लेना है, किसी को अपना घर बनाना है, निश्चित बंगलो बनाना है, आज चुनाव इसीलिए बहुत लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि समाज का विकास हो सके। आज एक एक लोग देखिए, मुखिया से कोई पैसा नहीं मांगता है, मुखिया मतलब क्या, जिस पर आप हक जता सके, मुखिया मतलब मुखिया से एक प्यार की अपेक्षाएं रखता है कि घर में अगर हमारी बहन की शादी हो तो जो मुखिया कैंडिडेट रहे तो वह क्या कर सके कि आपका मतलब घर में अगर शादी हो वो सब्जी परोस सके ना सके, पानी परोसने के लिए जरूर खड़ा रहे। घर में अगर कोई घटना घटित हो तो अगर 2 भाई है तो तीसरे भाई के रोप पर कंधे में हाथ देकर खड़ा रहे। बस समाज की इतनी अपेक्षाएं, वह प्यार और सम्मान खोजता है। भले लोग कहे कि पैसे, दारू, मुर्गा का चुनाव है, बहुत लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये अपनी झोली फैलाकर आज एक एक घर जा रहा हूं, घर जाकर एक एक सिक्के मांग रहा हूं, और लोग बड़ी खुशी से मदद कर रहे हैं, और मैं उन्हीं की मदद से चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, ये बात भी सच है, बहुत हद तक पंचायत चुनाव बंगलो बनाने, स्कॉर्पियो खरीदने, अपना जमीन जायदाद बनाने के लिए होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर कुछ युवा नेता हैं, हमेशा से छात्र राजनीति में रहे हैं, छात्रों का भला करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, और मुखिया ऐसा ही होना चाहिए जो समाज में दुख सुख में साथ रहे। ऐसा नहीं कि मुखिया ऐसा हो जो अपने बंगलों में एसी में बैठा रहे। ये थे हमारे साथ कुश पांडे। एक लास्ट प्रश्न और बहुत छोटा प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, कुश पांडे कैसा नेता है, कैसा उम्मीदवार है, या बोले तो कैसा मुखिया है, एक शब्द में इसका जवाब दीजिए आप। कुश पांडे हरेक वह मुजलिम जो दर्द सह रहा है, वह जो गरीब जो दर्द सह रहा है, बस उसका नेता है। गरीबों का आवाज़ है कुश पांडे, और हर एक दलित शोषित वंचितों का आवाज़ है कुश पांडे। चलिए, ये थे हमारे साथ कुश। इन्होंने छात्र राजनीति में 10 साल व्यतीत किया, वहाँ से बहुत सारी तजुर्बाएँ हासिल की, और अब ग्रामीण राजनीति में पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मुखिया चुनाव के लिए ये प्रबल दावेदार हैं। फिलहाल अभी हम पिस्ता में बैठे हुए थे, इनका जनसभा चल रहा था, हमने इन्हें देखा तो सोचा कुछ बातचीत कर लिया जाए। लगातार पंचायत चुनाव की सारी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हर प्रत्याशी की बातों को बताते हैं। आप सिल टीवी पर बने रहें, पंचायत चुनाव की हर एक हकीकत और हर एक सच्चाई आपको हम हमेशा पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।